नहीं लोगों का क्या क्या ड्रीम होता है। सही है। उसी तरीके से मेरा भी ड्रीम था, लेकिन आपको बोलना चाहूंगी, आज मुझे बीएड की डिग्री नहीं मिली है, 2016 में ही मैं बीएड कर चुकी थी। और आपको बोलना चाहूंगी, जैसे लोग ट्राई मारते हैं बीएड कर लेते हैं, और बहुत सारी डिग्रियां बीसी क्या बोलते हैं डीसीए कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, ना जाने कितनी डिग्रियां लोग ले देते हैं। बस एक ही ड्रीम होता है, एक ही सपना होता है कि कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। और आप लोग के जैसे मुझे भी इस लक्ष्मी को भी डिग्री लेने का मौका मिला, डिग्री तो लिए लेकिन सपना था कि टीचर बनूंगी। और टीचर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सरकारी टीचर बनने का सपना था दोस्त। और आपको बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद जब घर में बैठी थी ना, बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए, बहुत सारे फॉर्म मैंने डाले कि मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, यहाँ तक कि चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली। आज के जमाने में कंपटीशन का दौर है। यस मैम। आज के जमाने में कंपटीशन का जमाना, हर सत्र में बच्चे 100% पढ़ाई करके लोग निकल रहे हैं। जिस गाँव में जाएंगे देखेंगे हाई स्कूल इंटर बीए करने वाले आपको 40 लोग 50 लोग 60 लोग मिलेंगे। बेरोजगारी है कि नहीं है? आज हमारे पास डिग्रियां हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं है। तो दोस्त इसी तरीके से लक्ष्मी के पास तो डिग्री थी, बस सपना था टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे, लेकिन जब टीचर की नौकरी नहीं मिली ना दोस्त, तो गाँव वाले ताना मार रहे थे। सबको पता है एक लड़की वो लड़का हो पढ़ाई करके घर में बैठ जाता तो कितना लोग ताना मारते हैं, कितना कमेंट मारते हैं, आपको पता होगा। मजा ले रहे थे कि क्या हुआ टीचर बन गई, बाप से मजा ले रहे थे बेटी हुआ तुम्हारा टीचर बन गई हो, लगन नौकरिया, ससुर जिसे मजा ले रहे थे कहा भाई हो पतोहिया कलेक्टर बन गई, डॉक्टर बन गई, टीचर बन गई, लोग मजा ले रहे थे। और आपको बोलना चाहूंगी कि लोग मजा ले रहे थे, इनकी बात सुनती थी, इनकी बात सुनती थी, आप गांव में जानते हैं कि किस तरीके से मजा लेते, वही पुरानी वाली कहावत, जे पढ़ ले बच्चों को बरकत छत है, जे नहीं पढ़ ले वा। आज मोदी योगी जी का ऐसा राज है कि गांव में गाय तो देख लीजिए है ये नहीं, 10-20-50 लोग के गांव में अगर घर है 50 लोग का तो 50 लोग के घर में भैंस नहीं होगी, लेकिन मुझे लोग ताना मारते थे गोबरा का छाई। दोस्त ताना बर्दाश्त नहीं हुआ, एक इंसान को जब किसी का ताना लगता है ना तो दो में एक होता, या तो बन जाता या तो बिगड़ जाता, दो में एक होता नहीं। तू ताना बर्दाश्त नहीं हुआ, 2016 में घर बैठी थी मैं भी, इंतजार कर रही थी, रोज अगरबत्ती जलाती थी कि दुर्गा माता नौकरी मिल जाए, काली माता नौकरी मिल जाए, भगवान खुदा नौकरी मिल जाए, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार व्रत रखती थी, कुछ नहीं मिला, बस केवल ताना मिलता था, ताना मिलता था, और ताना बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्त। इसीलिए मैंने सोचा कि अब सरकारी नौकरी की सपना नहीं देखेंगे, चलो प्राइवेट करेंगे, लेकिन गांव में रहेंगे तो नहीं। तो मैंने जा करके बच्चों को प्राइवेट टीचिंग करने लगी, 3,000 रुपए महीने लक्ष्मी बच्चों को पढ़ाया करती थी। दुनिया का जो सबसे सस्ता मजदूर होता है मेरे दोस्त प्राइवेट टीचर होता है। इसमें कोई प्राइवेट टीचर होगा पर दिल पे हाथ रख के सोच लीजिएगा कि 2,500-3,000-4,000 रुपए के लिए हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तक कि मोबाइल भी ऑफिस में जमा हो जाती है, 3-4 बजे मिलेगा। सही है मैम। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर प्राइवेट टीचर होता है, लक्ष्मी प्राइवेट टीचर बोल रही है दोस्त। डिग्री तो थी पर काम करने का कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, कोई स्किल नहीं था कि करूँ तो क्या करूँ। और दोस्त शायद अगर मैं किसी की बात मुझे लगी ना होती तो मैं प्राइवेट टीचर बनकर 3,000 की नौकरी की ना होती। और जब मैं जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी, 2016-17-18-19 मैंने 4 साल बच्चों को पढ़ाया है। अचानक में हुआ क्या कि 2020 में लॉकडाउन आ गया। जब लॉकडाउन आ गया तो विद्यालय बंद हो गए। दुनिया में सबका विद्यालय, हिंदुस्तान में सभी विद्यालय बंद थे। सही है। जब विद्यालय बंद हो गए दोस्त तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कहीं से मैं पैसा कमा सकूं। आपको बताऊं हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सही है। मैं तो पढ़ी लिखी थी लेकिन जिससे मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड 2 बार हाई स्कूल फेल है। यस मैम। क्या किया जाएगा, किस्मत की बात होती है। सही है मैम। हस्बैंड जब 2 बार हाई स्कूल फेल हो गए तो चले गए भिमंडी जाके लूम चलाते थे। यस मैम। 10,000-12,000 रुपए महीना कमाते थे, आधा उधर खत्म हो जाता था, उधर उड़ा देते थे, रूम भाड़ा खुराकी पता नहीं क्या क्या। यस मैम। आपको बोलना चाहूंगी 4-5 हजार रुपया 6 हजार रुपया बचाते थे। 6,000 रुपया बचा के मुझे महीने का भेजते थे। बताइए 6,000 रुपए में किसी की जिंदगी कट जाएगी? नो। इस महंगाई में सामना कर सकते हैं? नो। ये लक्ष्मी अकेले नहीं है, कोर्ट पहन लेने से 16 साल की छोरी मत समझना, 16 साल की उम्र नहीं है, 4.5-3 साल हो गए बिजनेस में काम करते हुए। और इस लक्ष्मी की 18-19 साल की उम्र नहीं, तो 34 साल की उम्र। वाह। 34 ईयर
34 इयर्स 34 साल की एज है और हाउस वाइफ, 3 बच्चों की माँ बोल रही है। बच्चे छोटे छोटे दूध पीने वाले नहीं दोस्त, लक्ष्मी के बारे में जानना, एक बार सर्च करो यूट्यूब पे, सर्च करो लक्ष्मी को, सर्च करो। दिनेश लाल यादव का वीडियो मंगाते हैं, खेसारी लाल यादव का मंगाते हैं, मरपाली का मंगाते हैं, एक बार बोलो ना सेफ साहब वीडियो लक्ष्मी मैम। yes. एक बार मैंने जिंदगी में अपने ऊपर खर्च किया दोस्त, आप दुनिया यूट्यूब और गूगल पे लक्ष्मी को सर्च करती है, सर्च करती है। थैंक यू दोस्त। अभी हमारी एक हफ्ता पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी आपके बगल में बिलाड़ी में। यस मैम। एक मेरा झार में हुई थी अभी यही नगर बाजार। आपको बोलूं 250 लोग वहां बैठे थे उस ट्रेनिंग हॉल में। और बताना चाहूंगी कि एक प्राइवेट टीचर की औकात क्या होती है, प्राइवेट टीचर जानता होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? 5 सितंबर को एक बच्चे कहीं पेन दे दिया, गिफ्ट तो हो गया, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज जिस जिले में जाती हूँ दोस्त, उस जिले में फूलमाला का सम्मान होता है। और आपको बोलना चाहूंगी, इंसान 2 चीज के लिए मरता है, कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास इज्जत हो। पैसा हो, मेरे पास इज्जत हो। आप बताओ, बोलना चाहूंगी, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग इज्जत भी गंवा देते हैं। एक पैसा कमाने के लिए एक लड़कियां जाकर ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं दोस्त, पैसे के लिए। सही है। प्रॉब्लम होती है, मजबूरी होती है, जाकर ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं पैसे के लिए। सही है। मैंने सुना पैसे के लिए, एक लड़कियों को मैंने देखा है, लेडीजों को देखा कि पैसे के लिए अपना तन बदन बेच देती है। सही है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको बोलना चाहूंगी, लक्ष्मी तो पैसा कमाती है दोस्त, लेकिन ऑर्केस्ट्रा वाली नहीं है, तन बदन बेचने वाली है। पर सम्मान क्या होता है, पर सच करके देखो। आज के जमाने में हर कोई फोन चला रहा। yes! एक बार बोलो ना, देखो ना लक्ष्मी झूठ बोल रही कि सही बोल रही, वो ट्राई तो मारो एक बार, देखो तो क्या सच्चाई है, सामने आपके निकल के आ जाएगा। सही है मैम। आपको बोलना चाहूंगी कि 3,000 रुपए कमाने के लिए, मैं बताऊं तो 26 दिन स्कूल में ड्यूटी करती थी। yes, ma'am. लेकिन 3,000 जब महीना पूरा होता था, मांगते मांगते 2 बार में 4 बार में पैसा मिलता था। yes, ma'am. और आज उसी सिस्टम को करते हुए, उसी बच्चे को पढ़ाते हुए, उसी विद्यालय में मुझे इस काम को देखने का मौका मिला। yes, ma'am. जिस काम को आप देख रहे हैं। yes, ma'am. क्या नाम है उस काम का? क्या नाम है? कितने लोग पहली बार आए जिस काम को देखने के लिए, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको बोलना चाहूंगी दोस्त, सपना तो था टीचर बनने का, लेकिन टीचर बनने के लिए दोस्तों नौकरी पाने के लिए मेडिकल चाहिए, फिजिकल चाहिए, लेकिन यह बिजनेस है। पढ़ा लिखा भी कर सकता है, मुठा टेक भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, नौजवान भी कर सकता है। ना मेडिकल चाहिए, ना फिजिकल चाहिए। अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आज एक बात मेरी सुन के जाना, नो डाउट, अगर ये लक्ष्मी 3 बच्चों की माँ कर सकती है तो हर बैठा बंदा, हर इंसान कर सकता है। आपको बोलना चाहूंगी कि आज इस सिस्टम में करते हुए 3.5 साल हो गए। 3.5 साल के अंदर आज जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरे गांव से 10 लोग आए थे मीटिंग को देखने के लिए। आज यहाँ गांव से 10-20 लोग आए होंगे। yes, सही है, सही है। जैसे कोई मुझे बुलाया था, ऐसे उन्हें भी कोई बुलाया था। yes, ma'am. जब गए मीटिंग देख लिए, सारा मीटिंग खत्म हो गया, तो यहाँ बोला गया कि आपको जगह नंबर बताया गया था कि अगर कमाना है तो आप पहले नंबर पे एडमिशन कराइए। सही है मैम। पहले नंबर पे फॉर्म आलन कराइए, यहाँ भी बोला गया होगा। yes, बोला गया ना। yes. तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा, मुझे इस सिस्टम में कोई बात समझ में नहीं आया, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। सही मैम। सही है, सही है। मुझे एक बात समझ में आया कि इसमें काम क्या करना है और कमाना क्या है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं पहली बार आई हूँ, क्या करना है हमारे सिस्टम में बताएंगे लोग। पहले आप लगिए उसमें जी, उसके नीचे 2 लोग को लगाइए, आपका कमाना वहीं से चालू होगा। वेरी गुड मैम, तालियां चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे पहले अपने जोड़ा तो दूजने का और जोड़ा। सही है। कुछ लोग कहेंगे पहले अपने चूतिया बना तो दूजने का और चूतिया बना। सही है। पहले अपने
टोपी पहना तुझे नहीं गौर पहना। सही मैम। नहीं दोस्त, ये जोड़ने वाला धंधा नहीं है, तोड़ने वाला नहीं है। जो काम ऐश्वर्या राय करके पैसा कमा रही है, जो काम जूही चावला करके पैसा कमा रही है, जो काम अमिताभ बच्चन करके कमा रहे हैं, वही काम गवर्नमेंट ने हमें करने का मौका दिया, हमें आपको। हमारे यहाँ जोड़ना नहीं है, घटाना भी नहीं है, बस जो चीज यूज आप करते हैं उसी के बारे में दूसरे को एडवाइज करना है। yes! हम एडवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते करते हैं कि नहीं करते हैं? करते मैडम, आप कभी सुने कि नहीं सुना? किसी को एडवाइज सलाह किसी को दी है कि नहीं दी है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैम, आप कभी किसी को सलाह दी है कि नहीं? मतलब इसमें नहीं, बाहरी दुनिया किसी को सलाह दी है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपको पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन कभी हमारे किसी को नहीं बताया। सही है कि नहीं? यहाँ पे सर बता के गए होंगे जयप्रकाश जी कि हम स्कूल का सलाह देते हैं, देते कि नहीं? अरे, हमारा बच्चा जहाँ पढ़ता है हम तो पढ़ाते ही है। पड़ोसी कह दे रहे दीदी, जहाँ तो लड़का पढ़ाता है ना, वहाँ पढ़ाई नहीं बोला, जहाँ हमारा लड़का पढ़ा ला वहाँ एडमिशन करा ला, दुई महीना में लड़का सीख का पट्टू हो जाए। आप बताओ, हमारे घर चार दीदी लोग जाके उसी स्कूल में एडमिशन करा ले जहाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है। विद्यालय वाले फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रिंसिपल कमाएगा कि नहीं? कमाएगा। प्रबंधक कमाएगा। हम आप क्या कमाएंगे? दीदी लोग हम लोग क्या कमाएंगे? कुछ नहीं। जैसे हमारा फीस जाता है वैसे आपको फीस जाए। सही है। सही है। सही है। हम दूसरे के लिए सलाह दे के दूसरे का आगे बढ़ा दे रहे हैं और हम जहाँ वहीं हम रुके रह रहे हैं। सही है। अपने लिए हम कुछ करना नहीं। बताइए, कपड़े वाले सलाह देकर उसको हम चार साड़ी खरीद लेते हैं, चार दीदी लोग और खरीदवा देते हैं। सही है। गाँव में फेरी वाला आ जाए तो आपको बच के जाएंगे नहीं, पहले दीदी लोग रुकवा देते हैं। सही है। और ला के चार पाइयो बिछा देंगी पूरा मंडल में, खोलवा खोलवा के दीदी तू ले लाओ सावर बाटी है पियर का बड़ी गजब लागे, तू ले लाओ गोरहर बाटी है करीब का बड़ी गजब लागे। अभी लोग सलाह दे करके फेरी वाले पूरा साड़ी बेचवा देते हैं। अब वही फेरी वाला जाने लगता है, विदाउट का फीस बता दीजिए किसी को दिया हो देता है।